ये जानवर ज्यादा एक्टिव था, ज्यादा चुस्त था, तंग कर रहा था, तो यासर भाई ने पड़का कर नीचे मारा है। अब इसको मुंह खोर की और खाल के इंजेक्शन दोनों वैक्सीनेशन की जाएगी और डवर्मिंग इसकी की जा चुकी है। तो ये आप देखें जरा, ये पकड़े जरा यार, वह तेरी दांत ही गार कर दा। ये मुंह खोर की इंजेक्शन का इंजेक्शन लगने लगा है और अब इसको लगाया जाएगा खाल का इंजेक्शन। ठीक है सही, ये देख दा सिंह पटीचा आया सी। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਖਾਵਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਵਾਈ ਅੰਦਰ ਸਿੰਗ ਤੇ ਲਾ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਜੋ ਸਿੰਗ ਹੈ ਉਸਕੋ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾ ਜੀ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਜ਼ਖਮ ਤਾਂ ਜਬ ਖਰੀਦਾ ਥਾ ਤੇ ਇਸਕੋ ਮੈਂ ਜੋ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੇ ਲਗਾ ਹੂੰ ਇਹ ਹੈ ਟੈਰਾਜਿਨ ਪਲੱਸ ਐਰੋਸੋਲ ਸਪਰੇਅ ਜੀ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਟੈਰਾਜਿਨ ਪਲੱਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜ਼ਖਮੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਤੋ ਅਗਰ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਕੀ ਵੀ ਆਪਕੇ ਜਾਨਵਰੋਂ ਕੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਕੇ ਜੋ ਪਾਉਂ ਹੋਤੇ ਹੈ ਪਾਉਂ ਪੇ ਵੀ ਯਹੀ ਦਵਾਈ ਲਗਾਈ ਜਾਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਨਵਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦ ਸਿਹਤ ਜਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੋ ਇਸਕਾ ਸਿਰਫ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ जिस तरह किया जा रहा है। ये आप 3 से 4 दफा लगाएं तो जानवर जो है आपका फिट हो जाएगा। ये जिस जानवर को स्प्रे किया है ये आप स्प्रे देख सकते हैं करीब से, टेराजिन प्लस, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट है ये आप देख सकते हैं। तो ये अगर जानवरों को मुंह खुर आ जाए तो उसका जो पाँव होते हैं जानवरों के उनके दरमियान में कीड़े पड़ जाते हैं तो जख्म बन जाते हैं। उन जख्मों के ऊपर, इन कीड़ों के ऊपर आप इसका स्प्रे करें रोज़ाना 2 बार, इंशाल्लाह 2-4-5 दिन के अंदर आपके जो जानवर हैं वो इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। इस दवाई का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। अब एक जानवर रह गया, वो खुल गया था तो उसको पकड़ रहे हैं, इंशाल्लाह उसकी वैक्सीनेशन भी की जाएगी, डवर्मिंग भी की जाएगी ताकि वो भी इस फ्लॉक के साथ उसकी भी मेडिकल ट्रीटमेंट मुकम्मल हो जाए। उसके बाद इनको खोल दिया जाएगा, ये फिर अपने मामूल के मुताबिक खुराक खाएँगे। अभी इनको डिवर्मिंग करने के 3 घंटे बाद तक कोई चीज़ नहीं देनी। जब डिवर्मिंग होने के बाद 3 घंटे गुजर जाएंगे, जानवरों का जो है पानी खुराक वो खोल दी जाएगी, फिर जानवरों को 3 घंटे के बाद खुराक दी जाएगी ताकि जो डिवर्मिंग है वो अपने असरात छोड़े। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला वसल्लम। मैं हूं आपका मेज़बान इनाम इलाही, हाफिज़ मुश्तरका कैटल फार्म राजोवाल उकाड़ा से। तो इस वक्त मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने फार्म से ही आप भाइयों से मुखातिब हूं और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव मालूमाती है और इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर दिखाया जाएगा कि जानवरों को मुँह खुर की वैक्सीन किस तरह की जाती है, खाल के इंजेक्शन किस तरह लगाए जाते हैं, डिवर्मिंग किस तरह की जाती है और ये वैक्सीन करने के लिए जानवरों को जो सिरिंज है वो कौन सी इस्तेमाल की जाती है। ये सारी मालूमात इंशाल्लाह आज की वीडियो में दिखाई जाएंगी, आज की वीडियो में बताई जाएंगी। ये जो जानवर आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो बंधे हुए सामने जानवर हैं, ये जानवर नए हम लेके आए हैं अपने फार्म पे। इनकी आज ये रात को आए हैं, इनको सारा दिन रेस्ट दी है, आज इनकी डिवर्मिंग होगी, इनको वैक्सीनेशन की जाएगी इनकी मुँह खुर की, खाल के इंजेक्शन की। तो वो सारा जो प्रोसेस होगा वो आप भाइयों को इंशाल्लाह दिखाया जाएगा। मेरी तमाम भाइयों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक हाफिज़ मुश्तरका कैटल फार्मिंग के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो उनसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिल सके। और इंशाल्लाह हमारा ये आपसे वादा है, फार्मर से वादा है कि हम अपने चैनल के ज़रिए इंतहाई मालूमाती और इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप भाइयों तक लेकर आएंगे और बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको सीखने को मिलेंगी, ख़ास तौर पर नए फार्मर्स को जिनको मालूमात नहीं है। तो ये हमारी नए जानवर हमने परचेज़ किए हैं, जो ये वो बंधे हुए हैं वो आप देख सकते हैं, ये साहिवाल खड़े हैं, ये साहिवाल बछड़े हैं, दरमियान में चौलस्तानी बछड़े हैं, ये फैटनिंग के लिए बछड़े ख़रीदे हैं, मीट के लिए बछड़े ख़रीदे हैं। इनको इंशाल्लाह 2 महीने के लिए तैयार किया जाएगा, 2 महीने अपने फार्म पर रखा जाएगा, उसके बाद इनको स्लॉटर करवाया जाएगा। तो जानवर माशाल्लाह बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत जानवर हमने ख़रीदे हैं। पहले भी मेरे पास ये दूसरी जानवर बछड़े खड़े हैं, इस वक्त फार्म पे तकरीबन कोई 90 बछड़ा खड़ा है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। वो आगे कुछ शेड के नीचे हैं, कोई ये बाहर खड़े हैं। तो ये जो 20 जानवर कल नए आए हैं ये आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह वीडियो शुरू करते हैं, वैक्सीन लगाना शुरू करते हैं, डिवर्मिंग करना शुरू करते हैं। आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी, कंपनीज़ बताई जाएंगी वैक्सीन की और डिवर्मिंग की। तो आप भाइयों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा
एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आप इंशाल्लाह इस वीडियो से बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे। चलें जी, वैक्सीनेशन का शेड्यूल और डिवर्मिंग का शेड्यूल शुरू करते हैं। सीधा रखो भाईजान, ये डिवर्मिंग है, वर्सड कंपनी है, वर्सड इसका नाम है, ICI कंपनी की है। जो इसका फार्मूला है वो आप ऊपर देख सकते हैं, एक्सपेंडाजोल और ट्रैकलाबेंडाजोल, ये इसकी फार्मूलेशन है। तो ये हम इस्तेमाल करते हैं, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैं पहले बता दूं थोड़ा सा तफसील के साथ कि डिवर्मिंग का फ़ायदा क्या होता है। जब आप डिवर्मिंग करते हैं जानवर के पेट के अंदर, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो जानवरों की खुराक खा रहे होते हैं, जानवरों की ग्रोथ को मुतासर कर रहे होते हैं, इस दवाई का फ़ायदा ये होता है कि ये कीड़ों को ख़त्म करती है और जानवर जो खुराक खाते हैं वो जानवर के ऊपर असरअंदाज होती है। तो इसलिए जब भी जानवर आप लेके आएँ तो उनकी डिवर्मिंग ज़रूर करें। अब रही बात डिवर्मिंग कितनी करनी चाहिए, ये जो वर्सड की है मेडिसन, ये मैं 50 ml कर रहा हूँ, फी जानवर को 50 ml कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये बछड़ा है, इसका वेट जो होगा तकरीबन 250 kg एवरेज है। तो इसको 50 ml फी जानवर को कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह इससे फ़ायदा ये होगा कि जानवर के अंदर जो कीड़े मकोड़े होंगे, जो इसके पेट में खराबी होगी, वो इंशाल्लाह इससे दूर हो जाएगी और जानवर जो भी खुराक खाएगा वो इंशाल्लाह इसके ऊपर असरअंदाज होगी। या फिर मम्मू पकड़ा निवान कटा गए थे। ये जो मैंने पकड़ी हुई है, ये स्पेशल इनकी होती है, ड्रंच इसको बोलते हैं, जो सरिंग है ये आप देख सकते हैं। इसको वैक्सीनेशन जो है अब वो अभी करेंगे, डिवर्मिंग हो गई है तो मैं वैक्सीनेशन भी बता दूं। ये हम जो वैक्सीन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एवोटेक इंजेक्शन है, ये खाल के इंजेक्शन है। जानवरों को जो लगाए जाते हैं इससे चिचड़ों का खात्मा होता है और जानवर की जो खाल की बीमारियां होती हैं वो भी दूर होती हैं और जानवर की स्किन जो है वो साफ होती है। तो इसका नाम है एवोटेक, ये सरकारी तौर पर मिलता है, फ्री मिलता है, तो आपके हर जो सरकारी हॉस्पिटल होता है उनके पास आसानी से मिल जाता है। तो ये इंजेक्शन भी बहुत ज़रूरी है और ये मैं लगाऊंगा, इसकी मैं आपको मकदार भी बताऊंगा कितनी लगानी है। ये 250 kg का जो जानवर है उसको तकरीबन हम जो लगा रहे हैं वो हम 40 ml जो लगा रहे हैं, 8 cc लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो सरिंज है इसके ऊपर लिखा हुआ है 2, 3, 4, 6, 8, हम 8 पे इनको इसको लगा रहे हैं। अगर जानवर कोई बड़ा होगा 250 kg से, उसको 10 ml पे लेके जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये इसको लगाया जाएगा, इसके लगाने का इसके साथ जो असल में ये है कि बाज़ फार्मर ये गलती करते हैं, सरिंज जो होती है वो बड़ी इस्तेमाल करती हैं करते हैं। ये दो तरह की सरिंज होती है, एक छोटी सरिंज इसको बोलते हैं सब कट, ये बिल्कुल छोटी होती है, एक इससे बड़ी होती है। तो सब कट इस्तेमाल करनी है क्योंकि ये खाल के अंदर इंजेक्शन लगना है, गोश्त के अंदर नहीं लगना, जिस्म के अंदर नहीं लगना, ये खाल के अंदर लगना है। तो इसलिए छोटी सरिंज इस्तेमाल करनी है हमेशा के लिए। तो ये आप इंजेक्शन देख सकते हैं, इंशाल्लाह लगाएंगे अभी। बांध ना बढ़ते ये। ये मुंह खोर की वैक्सीन है, कंपनी का नाम जो है वो आर्या वैक है। तो ये 50 ml की बोतल है, ये 25 जानवरों की खुराक दवाई है, 25 जानवरों को ये लगाई जाएगी। फिर जानवर को हम ये देख सकते हैं आप, हम लगाएंगे ये 2 पे हमने रखी है, 2 ml आप इसको ये 20 ml है उस हिसाब से, नहीं 2 cc है, ये 2 cc लगाएंगे। ये 50 ml की वायल है और ये जानवर 25 जानवरों की डोज है। तो इसको भी लगाने का जो तरीकाकार वो सेम है, छोटी सब कट सरिंज इस्तेमाल आपने करनी है। तो इस जानवर को हम लगाएंगे, आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसको मुंह खोर की वैक्सीन भी लगाई जा चुकी है। ये 20 जानवर हैं, सारे जानवरों को इस तरह ही वैक्सीन की जाएगी। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, मुंह जो डिवर्मिंग है उसका फ़ायदा मैंने आपको बता दिया है। अब जो मुंह खोर का है उसका ये है कि जानवर अगर आपने वैक्सीन नहीं करते तो ये एक ऐसी बीमारी है जो आपके पूरे फार्म को असरअंदाज कर सकती है और आपका पूरे का पूरा फ्लॉक तबाह कर सकती है।
जब ये बीमारी आती है, जब ये अटैक करती है, तो उसकी अलामत जो होती हैं, जानवर की जो जबान होती है उसके ऊपर छाले बन जाते हैं, जानवर के पाँव में जख्म बन जाते हैं, जानवर के मुंह से झाग आना शुरू हो जाती है, तो जानवर आपके दिन ब दिन कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। और उसके साथ ये कमज़ोर होते जो बीमारी होती है ये एक जानवर से दूसरे जानवर में, तीसरे से चौथे, पूरे फ्लॉक में ये कन्वर्ट होती जाती है। तो इसलिए मेरी भाइयों से रिक्वेस्ट है, ये मुँह खुर की वैक्सीन लाजमी किया करें, मुँह खुर की वैक्सीन का जो है उसका इस्तेमाल ज़रूर करें, इसके बगैर फार्मर का गुजारा नहीं है। मैंने एक दफ़ा नुकसान उठाया, मैंने खुद उठाया, इस तरह मेरे जो फ्लॉक में भी एक दफ़ा मसला बन गया था, तो बहुत नुकसान हुआ था। जानवर इससे सिर्फ मरता नहीं है, बाकी सब कुछ होता है, जानवर बिल्कुल डाउन हो जाता है, आप कह लें कि जानवर ख़त्म हो जाता है। तो ये बीमारी जो है वो एक महीना तकरीबन फार्म पे रहती है, एक महीने से पहले ये ख़त्म नहीं होती। तो जो बीमारी जब जानवर को आ जाती है तो उसके बाद इसका कोई ख़ास हल नहीं होता, हल सिर्फ यही है कि आप इसको सब्ज़ चारा दें, नरम गुज़ा दें, और इसके अलावा जो मेडिसन है वो आप इस्तेमाल करें, ये आहिस्ता आहिस्ता कवर हो जाती हैं, लेकिन आप वैक्सीन ज़रूर करें, वैक्सीन का के बगैर गुजारा नहीं। उसके बाद जो हमने एवोटेक इंजेक्शन लगाया उसका जो फ़ायदा वो मैंने बताया भी है, उससे जानवर की खाल जो होती है, जो चमड़ा होता है वो साफ़ हो जाता है, स्किन चमकदार हो जाती है, और स्किन के जो होती हैं बीमारियाँ वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए चिचड़ों का इंजेक्शन भी ज़रूर लगाया करें, खाल का इंजेक्शन, क्योंकि चिचड़ों की सफाई भी हो जाती है, जानवर खुश हाल हो जाता है। तो ये वैक्सीनेशन जो होती हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं, नए फार्मर जो होते हैं मोस्टली वो इन वैक्सीनेशन से जान छुड़ाते हैं। ये कोई खर्चा नहीं है, 400-500 का खर्चा है फी जानवर से, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं होता। तो मेरी तमाम भाइयों से गुजारिश है, अगर आपने काम या बछड़ा फार्मिंग करनी है, काम या फैटनिंग फार्मिंग करनी है, तो आप मुँह खुर की वैक्सीन, खाल के इंजेक्शन ज़रूर लगाएं, उसके अलावा गलगोटू के इंजेक्शन भी ज़रूर लगाएं। वो मैं अभी इसलिए नहीं लगा रहा कि आज छुट्टियाँ सरकारी डॉक्टर की, तो वो वैक्सीन उनके हॉस्पिटल से हमें मिली नहीं आज, तो वो इंशाल्लाह सोमवार को डॉक्टर यहाँ पर आएंगे, गलगोटू की वैक्सीन इंशाल्लाह करके जाएंगे। तो वैक्सीनेशन के बगैर कोई हल नहीं है। तो यही आज की वीडियो जो थी उसके अंदर यही कुछ हम मालूमात देना चाहते थे, यही चीज़ें दिखाना चाहते थे। अब मेरे तमाम भाइयों से गुजारिश है जिन्होंने ये वीडियो देखी है वो इन चीज़ों से इस्तफादा हासिल करें, फ़ायदा हासिल करें, ना कि इनको पशे पुस डाल दें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।